आइसक्रीम जो थी वो बच गई थी, हम लोग आइसक्रीम खाने का सोच रहे थे, लेकिन मॉल रोड में डबल स्कूप वाली पे बैठी हुई है। फ्राइज भी आ चुका है और बहुत सारी चीजें हो गई, कॉफी। 4 दिन के बाद आज अभी स्टार्ट मुझे दिख रहा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोगों को इस रूम से शिफ्ट करना है, तो हमने सारा सामान पैक कर लिया और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमको हॉस्टल जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट से निकलती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हॉस्टल में हम शिफ्ट हो रहे हैं वो दिखाऊंगी। फिलहाल दिखा देती हूँ रूम का क्या कंडीशन है और फट से हम लोग निकलते हैं। सो ये मेरा बैग है और आज बिस्तर क्लीन लग रहा है, और ये है ट्रॉली एंड ये हेमा का बैग और ये हेमा खुद। तो अब हम सब निकलते हैं फट से, काफ़ी लेट हो रहा है। तो अभी हम इतना सारा सामान पकड़ के लाते लाते थक गए, तो इसलिए मैंने मेरा बैग यहाँ रख दिया है और हेमा अपना बैग यहाँ पे सेटलमेंट कर दी है और ये पर्स वर्स यहाँ रख दिए हैं और हम लोग बैठ गए मॉल रोड में। ये देख सकते हो पीछे ये वाला जो है ये मॉल रोड है। तो कल हमारी आइसक्रीम जो थी वो बच गई थी, हम लोग आइसक्रीम खाने का सोच रहे थे लेकिन हम लोगों को नहीं मिली थी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लेने के लिए, हम लोग वहाँ से मैं अभी जा रही हूँ आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम लेंगे हम लोग, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर आइसक्रीम खाएँगे, उसके बाद हम जाएँगे हॉस्टल। हमारा जो हॉस्टल है वहाँ पे जाना है और वैसे भी आज थोड़ा सा लेट हो चुका है। देखती हूँ आइसक्रीम वाले भैया आज हैं कि नहीं है। सो आज आइसक्रीम वाले भैया हैं तो अभी हम लोग आइसक्रीम ले लेते हैं। भैया आइसक्रीम कैसे? ये फोन में? हाँ फोन में 50 रुपीस का है। और ये वाला तो और कौन सा वैरायटी है? स्टिक में है, कप में है। ओ ये वाला दे दो। इसमें टू इन वन में क्या क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी वनीला मिक्स। हाँ वही टू इन वन वाला दो दो। सो ये टू इन वन में स्ट्रॉबेरी वनीला है और ये कोन वाला है। कितना बोले आपने? 50 का एक? एक का एक ही मिलेगा, डबल स्कूप। एक और दे दो। हाँ सो ये है आइसक्रीम मॉल रोड में डबल स्कूप वाली। थैंक यू। टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा दे दो, दो टुक। तो दो आइसक्रीम है 50-50 रुपीस की। हेमा बोल रही थी इतना क्यों लेके जा रही है, यहाँ पे तो इतना कॉस्टली है, बट दिख अच्छी रही है, जो भी है खा के देखते हैं। ये देखो घोड़ा तैयार हो गया है हॉर्स राइडिंग के लिए। सुबह सुबह से इन लोग आ जाते हैं हॉर्स राइडिंग। 50 रुपीस की आइसक्रीम। हाँ टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे आइसक्रीम। ठंडी में ठंडी का मजा। दो फ्लेवर है ना, तो इसमें दो फ्लेवर दो है, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला मिक्स। टेस्टी है बहुत ये आइसक्रीम, है ना। इतने सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं, हेमा बैग लेके आ रही है और ये इस रूट से जाना है अंदर। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे हॉस्टल और हॉस्टल के पीछे का ये जो है ये व्यू है, बहुत सुंदर है। सो अभी मैं आपको मेरा हॉस्टल का रूम टूर दे देती हूँ। सो यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं और इधर से है एंट्री, यहाँ पे एक पेंटिंग है एंड ये यहाँ से आप रूम में एंट्री करोगे तो आपको बेड्स मिलेगा। पर बेड यहाँ पे चार्ज रहता है, जैसे एक यहाँ पे बेड है, कर्टन्स है, प्लस एक यहाँ पे बेड है ऊपर, और नीचे भी कुछ सामान आप रख सकते हो। और ये आपको सामान रखने के लिए है, ये है कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड हमारा जो रूम है वो ये है, ये हेमा यहाँ पे नीचे है और ऊपर है मेरा। यहाँ से सीढ़ी से ऐसा चढ़ के ऊपर जाना है। यहाँ पे लाइट्स दिया हुआ है, ये हमारा बैग, ये हेमा भी यहाँ पे बैठी हुई है एंड बैग रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है वॉशिंग ऑफ क्लोथ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कपड़े नहीं धो सकते आप यहाँ पे। इधर से अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ ऊपर। सो दिस इज वॉशरूम, बेसिन, गीजर, शावर, इट्स क्लीन। सो ये है हमारे हॉस्टल का कैफे और यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर किया है मैगी, कॉफ़ी एंड फ्रेंच फ्राइज। यहाँ पे अभी हमारा काम स्टार्ट हो गया है, मैं कर रही हूँ वीडियो अपलोड और हेमा अपना रील पोस्ट कर रही है। एंड आ चुका है हमारा स्पेशल कॉफी, डोंट वरी बी हैप्पी। गर्मा गर्म सैंडविच आ चुकी है और इसमें से भाप निकल रहा है, देखने में तो काफ़ी
यम्मी लग रही है। अब टेस्ट करके देखेंगे कि एक्चुअल में कैसी है। तो अभी फ्रेंच फ्राइज भी आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें हो गई, कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज एंड मैगी। मैगी तो हिमा खा ही रही है बिकॉज वेदर बहुत अच्छा है। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के सामने खड़े होके बहुत सारे लोग फोटोज भी क्लिक कराते हैं और यहीं पे आपको जो टैक्सी वैक्सी आप बुक करते हो वो यहीं पे ड्रॉप भी करते हैं और पिक भी यहीं से करते हैं, तो यहीं से ले जाके आपको छोड़ भी देते हैं। जैसे देख सकते हो बहुत सारे टैक्सी जो है वो ड्राइवर वहाँ पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं और टाइम हो चुका है, टाइम दिख भी नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा फोग है। अभी आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए और हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं खाना खाने के लिए। तो अभी ऑर्डर किए हैं हमने वेज थाली और हम वेज थाली खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाना नहीं खाए हैं। आ चुकी है हमारी थाली और इसमें तीन प्रकार की सब्जी, रोटी, तीन प्रकार की सब्जी, पापड़ और चावल है। दाल भी आ चुकी है। ये है हेमा की थाली और ये है मेरी थाली। ओके अभी हम यहाँ अंदर खाना खा रहे हैं और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि अच्छा हुआ हम करेक्ट टाइम पे खाना खाने आ गए क्योंकि अभी बाहर जो भी लोग होंगे सब भीग जाएंगे, लेकिन हम लोग तो अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। ये है मॉल रोड का फाउंटेन जो कि 3-4 दिन के बाद आज अभी स्टार्ट मुझे दिख रहा है और बहुत कलरफुल लाइट चेंज हो रही है नीचे से और ऊपर वाइट कलर का पेंट है, बहुत सुंदर लग रहा है और आज बारिश भी बहुत हो रही है। सो फाइनली अभी हम लोग अपने अपने बेड पे आ चुके हैं। मैं ऊपर हूँ और हेमा नीचे है, तो मैं अभी करेंट का सिचुएशन दिखाती हूँ कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। ये देख सकते हो, ये मैं टॉप पे, हेमा नीचे और ये ऐसा टाइप का बेड है। ये मिरर है, मैं मिरर में दिखा रही हूँ बिकॉज हम लोग ऊपर है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।